राजधानी रांची में 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन कर विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। रांची के उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को डाटा और सूची तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि 10 जुलाई को आयोजित लोक अदालत को लेकर तैयारी पूरी हो सके। रांची के विधिक सेवा प्राधिकरण की तहत विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है 10 जुलाई को और इसमें जो है प्रशासनिक जो कोर्ट है एग्जीक्यूटिव कोर्ट उनके भी बेंच बनते हैं और कई मैटर्स प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड होते हैं। तो माननीय उपायुक्त महोदय से रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया था जैसे रांची में कि एक बैठक प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ की जाए और माननीय उपायुक्त महोदय ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उसी के संबंध में आज एक बैठक की गई थी और हम लोगों का प्रयास है कि जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स में भी जो पेंडेंसी है उसको इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कर दिया जाए, चाहे वो फॉरेस्ट का मामला हो, एक्साइज का मामला हो या सेटलमेंट का मामला हो, सर्टिफिकेट केसेस हैं 105, 144 जिसमें भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ये भी एक पेंडेंसी है जो कि कोर्ट्स में है, तो इसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं और हम लोगों का प्रयास यह है कि इसको नेशनल लोक अदालत में इसका डिस्पोजल जैसे कि बताएं वो विधिक सेवा के प्राधिकार के द्वारा ये जो अनुरोध किया गया था उपायुक्त महोदय से उसी के आलोक में आज बैठक यहाँ पे आयोजन की हुई। 10 तारीख को जो लोक अदालत आयोजन किया जाना है उसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा जो बेंच गठन होगा उसमें न्यायिक वाले में सारी हम लोगों का तो सहयोग रहेगा, यही उपायुक्त महोदय का निर्देश है। लोक अदालत के जरिए त्वरित न्याय के लिए ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से आम लोगों को राहत पहुंचाएगी। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी के साथ आशुतोष की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।